You are most welcome, dear students. Private classes के लिए nouns का chapter आज हम करने जा रहे हैं. Nouns में भी केवल proper nouns और common nouns हम आज सीखेंगे. What is a noun? Noun क्या है? Noun is a name. नाम को ही नाम कहते हैं. नाम किसका? इसको अपन देखेंगे. नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए थिंग. नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, नाम होना चाहिए. आप देखेंगे सारी चीजें. बॉल एक खेलने का आइटम का नाम. पेन लिखने का एक आइटम है. डॉग पशु है, उनकी एक जाति है. गाय, भैंस, बकरी, केमल, हॉर्स, डॉग. ट्री पार्क, जहाँ बच्चे खेलते हैं, उस स्थान का नाम है. नेम ऑफ प्लेस. आइसक्रीम कोई खाने की चीज होती है, उस आइटम का नाम है. रैबिट्स ये वन्य जीव का नाम है. गर्ल्स ये कुछ टीचर, डॉक्टर, ये प्रोफेशन है. व्यवसाय ड्राइवर ये व्यवसाय है, प्रोफेशन है. तो नाम है, किसी प्रोफेशन का नाम है. टीचर डॉक्टर. गर्ल ये कॉमन नाउन है, जैसे निकिता इज ए गर्ल, योग्यता इज ए गर्ल, ये सब. हिमानी इज ए गर्ल, ये तो प्रॉपर नाउन हो गए, निकिता, हिमानी, योग्यता. तो लेकिन गर्ल सबके लिए, सबके लिए वो भी गर्ल है, निकिता भी, योग्यता भी, हिमानी भी, वो तो कॉमन हो गया. तो जो सबके लिए है वो कॉमन, और स्पेशल किसी किसी का है वो प्रॉपर. कॉमन और प्रॉपर को समझ लिए, किसी एक का है. जैसे अजय, सब अजय नहीं, लेकिन किसी एक का पर्टिकुलर का नाम है अजय. नेम ऑफ ए पर्सन, मिस्टर पॉल, दिल्ली, सिटी. सिटी तो सब है, सिटी तो सब है. अलवर भी है, भीलवाड़ा भी है, जयपुर भी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब है सिटी तो. लेकिन दिल्ली सब नहीं है. दिल्ली किसी एक स्पेशल शहर का नाम है. टॉमी ये कुछ लोग है ना, डॉग है, ये तो कॉमन है. लेकिन कुछ लोग अपने डॉग का भी नाम रख लेते हैं. मान लिया टॉमी नाम रख लिया, तो टॉमी प्रॉपर नाउन हो गया और डॉग है वो कॉमन नाम. द गंगा किसी एक नदी का नाम है, तो ये प्रॉपर हो गया. और रिवर ये कॉमन हो गया. नैन्सी नेम ऑफ ए गर्ल. इंडिया नेम ऑफ ए कंट्री, नेम ऑफ ए प्लेस, एक स्थान का नाम है, एक कंट्री का नाम है. तो ये आपने देखा, ये सब ऊपर की लाइन में जो लिखे हुए हैं वो कॉमन नाउन्स हैं, और दूसरी लाइन में जो लिखे हैं वो सब प्रॉपर नाउन्स हैं. अब आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी. तो मैंने नीचे एक लिस्ट दी है, दो लाइन में दी है, जिसमें से जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको तो आप अंडरलाइन कर देना, और जो कॉमन नाउन है उनको सर्कल कर दें. जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए कर भी दिया है, इंग्लैंड एक कंट्री का नाम है, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है. और डॉक्टर एक प्रोफेशन का, एक व्यवसाय का नाम है, तो ये कॉमन है. जैसे कोई डॉक्टर है मिस्टर कृतेश, तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया है. डॉक्टर है कोई नेहा, तो ये तो प्रॉपर नाम हो गया. लेकिन डॉक्टर ये कॉमन है, तो इसको कॉमन नाउन को सर्कल कर दें, गोला लगा दें, घेरा बना दें, और जो प्रॉपर नाउन है उसको अंडरलाइन कर दें. जैसे जयपुर, आप इनको देखेंगे समझ जाएंगे ये किसी एक का नाम है क्या, तो प्रॉपर है, उसे आपको अंडरलाइन करना है. और स्कूल कॉमन है, जैसे देव पब्लिक भी है, दूसरे भी होंगे, तो स्कूल कॉमन है. लेकिन डीपीएस प्रॉपर है,
तो कोमल को आपको सर्कल करना है। दिवाली ये फेस्ट नेम ऑफ ए फेस्टिवल, त्योहार का नाम है। सारे त्योहार दिवाली नहीं होते, दिवाली, ईद, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ये सारे फेस्टिवल्स हैं। दीज आर नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स। ये फेस्टिवल्स तो हैं लेकिन सारे के सारे वो दिवाली नहीं है। दिवाली तो दीपू का त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, उसी का स्पेशल उसका नाम दिवाली है। फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, उसका नाम होली है। तो ये प्रॉपर हो गया। मदर, चाइना, डेस्क, पटना, मोहित, आलिया, स्टूडेंट्स, टेबल, ये आपको पहचान करनी है। और जो प्रॉपर है उनको अंडरलाइन करना है, जो कॉमन है उनको घेरा लगाना है, सर्कल करना है। इसके साथ ही क्लास सेकंड के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश की बुक पेज नंबर 9 और 10, एक्सरसाइज नंबर 4, 5 और 6 ये आपको करनी है कक्षा सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को। दूसरे भी कर सकते हैं, उसका पेज का फोटो डाल दिया गया है, तो आप दूसरी क्लास के बच्चे भी प्राइमरी क्लास से फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ सभी करके देख लें। तो ये एक छोटा सा चैप्टर लिया है और सभी की बुक्स में, इंग्लिश की बुक में सबके आपके नाउंस वाला चैप्टर सब लोग खोल करके देख सकते हैं कि आज नाउंस बताइए, और नाउंस में भी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउंस हमें समझाई गई। तो हम भी देखते हैं सभी क्लासेज में नाउन का चैप्टर दिया हुआ है। नाउन में एग्जाम में प्राय क्या पूछा जाता है, नाउन में ये पूछा जाता है कि सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन, इसी ऐसी प्रकार से उसकी जेंडर पूछ ली जाती है, ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, जो मेल है वो पुल्लिंग है, जो फीमेल है उसको स्त्रीलिंग। तो मेल फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन, फेमिनिन। तो नाउन्स के ऊपर आपके एग्जाम में दो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर का यानी सिंगुलर प्लुरल का और जेंडर का। नंबर और जेंडर के दो क्वेश्चंस नाउन से संबंधित आते हैं। इसके अलावा हमने नाउन्स को ठीक से समझने का और भी प्रयास किया है कि भाई नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। अब आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होती है, ये तो हमने दो देखी है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब आप देखेंगे हिंदी में भी आप नाउन है ना, संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं। तो दो भेद आज आपको बताएं, और भी भेद है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो ईमानदारी, जैसे गुरु का नाम है? कर्तव्यपरायणता, ये भी सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक जिसको संज्ञा बोलते हैं, एक द्रव्यवाचक पदार्थ भी होते हैं, मेटीरियल्स होते हैं हमारे, शुगर है, व्हीट है, ऑयल है, ये भी नाउन्स ही हैं। इस प्रकार से नाउन्स के भेद और नाउन्स के नंबर और जेंडर ये बताने की बड़ी क्लासेज को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, छोटी क्लासेज में फिर लेंगे तो हम ले लेंगे। पहले हम नाउन्स को सीख लेते हैं, नाउन्स के बाद में ये सिंगुलर का प्लुरल में कैसे चेंज होगा, ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ये बाद में इसको भी देखने की आवश्यकता है। तो सभी क्लास के बच्चे नाउन वाले चैप्टर को जरूर देखें। प्राय आपकी इंग्लिश की बुक में पहला या दूसरा ही, पहला सेंटेंस से संबंधित होगा ऐसे, तो दूसरा चैप्टर लगभग नाउन्स से संबंधित हो सकता है, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर हो सकते हैं। तो क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के स्टूडेंट्स हैं वो भी नाउन के चैप्टर को देखें। ये पेरेंट्स के लिए बहुत आसान सा है, वो अपने बच्चों को याद भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने देखा है कि लिस्ट दे रखी है पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की, मैस्कुलिन और फेमिनिन की, इसी प्रकार से सिंगुलर और प्लुरल करके देखेंगे, सेंड करेंगे तो हमें भी समझाने का मौका मिल जाएगा। तो ये चीज़ें करके देख लें, ग्रामर कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश है, ग्रामर करने का हुआ करता है। तो ये आपका लेसन नंबर 2 है क्लास सेकंड का, लेसन नंबर 2 ही है, उसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।